मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम मंदिर के बागेश्वर धाम सरकार प्रमुख के रूप में लोकप्रिय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शालिग्राम को कोर्ट में पेश किया गया है। उस पर दलित परिवार को बंदूक की नोक पर धमकाने और मारपीट करने का आरोप था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के 9 दिन बाद ही पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर लिया था। आपको बता दें कि गढ़ा गांव में 11 फरवरी को अहिरवार समाज के परिवार में बेटी की शादी हो रही थी। परिवार ने पहले बागेश्वर धाम के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी के लिए आवेदन दिया था, लेकिन बाद में निजी कार्यक्रम करने का फैसला किया। शादी की बात पता चलते ही रात करीब 12 बजे धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई शालिग्राम अपने साथियों के साथ नशे की हालत में शादी समारोह स्थल पर पहुंच गया। उसने लोकगीत बजाए जाने का विरोध करते हुए उत्पात मचाया, साथ ही लड़की के परिजनों के साथ मारपीट और फायरिंग करके लोगों को धमकाया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी शालिग्राम के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया था। आरोप है कि दलित परिवार की दुल्हन के मामा भाई के साथ मारपीट की गई है। वायरल वीडियो में एक युवक मुंह में सिगरेट और एक हाथ में कट्टा लेकर दलित परिवार को धमकाते हुए नजर आ रहा था, और जब ये वाकया हुआ उस समय कथित पीड़ित परिवार बेटी की शादी में व्यस्त था। आरोपी ने कट्टा दिखाते हुए दलित परिवार के सदस्य को गालियां दी और जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस दौरान वो एक युवक से मारपीट करते हुए भी दिखाई पड़ा, जबकि एक शख्स युवक को बचाने की कोशिश करता है, जिसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई कट्टा निकालकर उसे जान से मारने की बात कहता है। शादी में मौजूद लोग तमाशा देखते रहते हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के 9 दिन बाद ही पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर लिया था। पुलिस ने परिवार की रिपोर्ट के आधार पर शालिग्राम पर मारपीट, धमकाना, जान से मारने की धमकी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया। शालिग्राम पर IPC की कई धाराओं और SC ST एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि गंभीर जांच के बाद शालिग्राम के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगी हैं। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई हमेशा बागेश्वर धाम सरकार की कथा प्रवचन के दौरान दिखाई देते हैं। वहीं इस मामले पर कथावाचक ने कहा था कि मुझे सोशल मीडिया के जरिए शालिग्राम के बारे में जानकारी मिली है। हर विषय को मुझसे जोड़ना ठीक नहीं है। हम सनातन धर्म और बागेश्वर बालाजी की सेवा में लगे हैं। कानून को इसकी स्वच्छता और पारदर्शिता से जाँच करनी चाहिए। हम गलत के साथ नहीं है, जो करेगा वो भरेगा। VideoDesk AmarUjala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।